जय दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। आशा करते हैं कि आपका एग्जाम फॉर्म भरा गया होगा और आपने तैयारी शुरू कर दी होगी। और इसी तैयारी के क्रम में हमने इससे पहले बीएड सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च की फर्स्ट यूनिट की वीडियोज़ बनाई थी, और जिसमें मैंने पहले बताया था कि कैसे ये इंपॉर्टेंट सवाल है और कैसे पूछा गया है। और उसके बाद हमने उसके आंसर्स वीडियो में, जैसे अगर हम बीएड सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर की बात करें तो फर्स्ट यूनिट मापन आकलन और मूल्यांकन था, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी देख रखा है। दोस्तों, केवल एक ही सब्जेक्ट नहीं, उसके साथ ही साथ हमें अन्य सब्जेक्ट को भी देखना पड़ेगा। ऐसे क्या होता है कि एक प्रॉपर तैयारी हो जाएगी और एग्जाम से जस्ट पहले आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। तो इसी क्रम में दोस्तों, आज हम बात करेंगे अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के एक और थर्ड पेपर, जिसे हम कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न एंड इशू, सब्जेक्ट का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन समसामयिक भारतीय शिक्षा कंसर्न एंड इशू चिंता और मुद्दे। तो दोस्तों, इसी क्रम में बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में फिक्स सवाल है। तीन, आप पूरा यूनिट सिलेबस देखेंगे तो उसमें एक फिक्स सवाल है जिससे सवाल पूछता है, और बड़े नंबर में पूछता है। कम से कम 15 नंबर में आएगा, और 8 नंबर में एक दो सवाल आपको देखने को मिलेगा। वो सवाल क्या है, हर साल की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई ऐसा साल नहीं गया जहाँ पे इससे संबंधित सवाल ना पूछे, रिपीटेड सवाल पूछे जाने वाला है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो तीन ही पॉइंट है आपके यूनिट वन में, तीन पॉइंट है, और ये पॉइंट आपने बीएड फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखा होगा। और मैं जब भी पेपर आता है तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि आप यहाँ से शुरुआत करिए, क्योंकि पहला यूनिट अगर आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो यहाँ से पढ़ने का क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 15 नंबर आपसे यहाँ से रेडी हो जाएगा। वो तीन पॉइंट कौन कौन से है, पहला दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक एजुकेशन एरा। अब इस वैदिक एजुकेशन एरा में, जैसे सेकेंड ईयर में क्या होता है, थोड़ा सा डीपली पूछता है कि वैदिक एजुकेशन एरा और करंट एजुकेशन सिस्टम में क्या रिलेवेंस है, वर्तमान शिक्षा में इसकी क्या प्रासंगिकता है, कैसे ये वर्तमान शिक्षा के लिए उपयोगी है और इसका वर्तमान शिक्षा से क्या संबंध है, ये सवाल है। इसके अलावा वैदिक कालीन शिक्षा से आप क्या समझते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा के अर्थ क्या है, इसका कॉन्सेप्ट, इसकी अवधारणा क्या है, और वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। जैसे अगर विशेषताओं की बात करें तो शिक्षा का केंद्र क्या हुआ करता था, शिक्षा राज्य के अधीन थी कि नहीं थी, शिक्षा और शिक्षक और गुरु के बीच, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसा था, अनुशासन, तो इन पॉइंट को आपको वहाँ पर व्याख्या करनी पड़ती है। पहला पॉइंट क्या था भाई, वैदिक कालीन शिक्षा, और उसमें हमें क्या पढ़ना है, उसकी अर्थ, अवधारणा, विशेषता और वर्तमान शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता। वास्तव में दोस्तों, यही वो सवाल है जो कि आपसे तीन पॉइंट्स में पूछेगा। तीन पॉइंट में पहला आपका हो गया वैदिक कालीन शिक्षा, दूसरा आपका हो जाएगा बुद्ध कालीन शिक्षा या बौद्धिक शिक्षा। ठीक है, बौद्धिक कालीन शिक्षा में भी सेम इसी तरीके से सवाल आपसे पूछा जाता है कि अर्थ इसकी क्या होती है, इसकी अवधारणा क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, और वर्तमान जीवन में इसकी प्रासंगिकता क्या होती है। ठीक है, इस तरीके से आपसे सवाल पूछेगा। सिमिलरली तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, मुस्लिम कालीन शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, मुस्लिम एजुकेशन एरा या मेडिवल एजुकेशन एरा। तो इसकी अर्थ क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, वर्तमान शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता क्या है, करंट एजुकेशन से ये कितना रिलेवेंट रखता है, कितना ये इंपॉर्टेंट रखता है, और करंट एजुकेशन सिस्टम में और इन तीनों शिक्षा एजुकेशन सिस्टम में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है, कितना इंपॉर्टेंस एक दूसरे के लिए रखते हैं। दोस्तों, इस पे ऑलरेडी मैंने तमाम वीडियोस बना रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक करिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। इस थंबनेल से मैंने इंडिविजुअल भी वीडियोस बनाए हैं और एक मैराथन भी बनाया है। तो मुझे बस इतना जानना है कि क्या आप लोग इन तीन एजुकेशन एरा को पढ़ लेंगे या फिर मुझे दोबारा वीडियोस बनाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बहुत है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। पिछले 5 साल 6 साल से मैं 6 साल का अनसॉल्व मैं देख रहा हूँ, 3-4 साल से तो मैं खुद वीडियोस देख रहा हूँ अवध यूनिवर्सिटी की। तो हर साल, चाहे वो बैक पेपर हो चाहे वो रेगुलर का पेपर हो, इन तीन में से एक सवाल तो आपको पूछता ही पूछता है। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आपने तैयार कर लिया होगा, और नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि क्या इसके लिए वीडियो बनाना पड़ेगा या फिर ये जो वीडियोज़ अपलोडेड हैं ऑलरेडी आप यहाँ से देख लेंगे। चलिए, बस ये छोटी सी वीडियो थी, बस यही बताना था कि इंपॉर्टेंट ये तीन पॉइंट है फर्स्ट यूनिट से। मैं आशा करता हूँ अभी तक आपने पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा हो तो इस वीडियो से देख लीजिएगा। बाकी अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं फिर से वीडियोस बना दूंगा, मुझे अच्छा लगता है अगर आपके कमेंट सच में पॉजिटिव आएँ और आप चाहते हैं कि इस साल के लिए मैं बना दूंगा। क्योंकि देखो, पिछली बार कुछ अलग थी, अब इस बार भी कुछ अलग है, तो धीरे धीरे और इंप्रूवमेंट आता रहता है वीडियोज़ में भी, मेरे पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी, मुझे भी समझ में आता है। तो चलो, मैं वीडियोज़ बना दूंगा, ठीक है, मगर आप देख लीजिएगा, खुद से नोट्स बना लीजिएगा, और प्लीज़ इन तीनों के बारे में 5-6-7 पेजेस लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि तीन में से एक सवाल तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग में मिलेगा, और कम से कम दो सवाल आपको शॉर्ट में मिलेंगे, जिसमें से कोई एक करना होगा तो आसानी से ये 15-20 नंबर का वेटेज रखता है आपके एग्जाम्स में। चलिए, बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मैं आपसे थैंक यू बोल दूँ, और थैंक यू के साथ साथ थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
आप इनसे ये वाला थोड़ा सा देख लेना। हाँ, इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हो तो जाने टॉक 01 से इंस्टा आईडी है, फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में राय प्रतिक्रिया देना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। जिंदगी में सबसे बेहतरीन पहली चीज़ है कि खुश रहिए। द हैप्पीनेस इज़ ऑल अबाउट फॉर मी, मतलब खुश रहिए भाई। जिंदगी में आना जाना वो सारी चीज़ें चल लगा रहेगा, बट हैप्पीनेस यू नो, चेहरे की जो स्माइल है ना वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी, लोगों को खुश रखिए, कुछ खुश करिए, आप भी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। डिस्क्रिप्शन में ये जो वीडियोस है ना उसके लिंक मिलेंगे आपको, तो एक बार देख लीजिएगा, टाइम हो तो तीनों के वीडियोस को आप एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से तैयार हो जाएगा। बाकी नई वीडियोस में लेके आऊँगा ही आऊँगा। चलिए ठीक है, जा रहा हूँ। आप कहोगे कि जाता नहीं है, बार बार रुक जाता है। ठीक है सर, फॉलो कर लीजिए अगर इंस्टा आईडी है तो। केवल आप एक्टर एक्ट्रेस को फॉलो करते हैं, अपने फेवरेट हीरो हीरोइन को, बट टीचर्स को नहीं, आई मीन फ्रेंड्स को नहीं। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सी यू देयर, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, बी हैप्पी, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।